नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। द कश्मीर फाइल्स लगातार लाइमलाइट में बनी हुई है। इसके पीछे कई सारी वजह हैं। सबसे पहले तो फिल्म को ढंग से प्रमोशन नहीं मिला, इसको लेकर विवेक अग्निहोत्री ने कॉमेडियन कपिल शर्मा पर आरोप लगाए और उसके बाद से ही ये फिल्म, कपिल शर्मा और खुद विवेक अग्निहोत्री विवादों में आ गए। उसके बाद जब 11 मार्च को थिएटर्स में ये फिल्म रिलीज हुई तो जो इसका कंटेंट है, जो इसका सब्जेक्ट है, उसको लोगों ने जबरदस्त तरीके से पसंद किया, जिसके बाद अब लोगों ने इसकी तारीफ करना शुरू कर दिया है। वो बड़े बड़े दिग्गज जो अब तक चुप थे इस पूरे मसले पर, वो भी अब बोलने के लिए आगे आ रहे हैं। बॉलीवुड की बात कर लें तो अक्षय कुमार, परेश रावल, कंगना रनौत इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं, जबकि बाकी बड़े बड़े स्टार से उम्मीद की जा रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। इन सबके बीच तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो फिल्म देखकर बाहर निकल रहे हैं और भावुक हुए जा रहे हैं। रूबिका लियाकत का एक बयान हमने आपको सुनाया था जिसमें वो इस फिल्म को लेकर बातचीत करती हुई नजर आई थी और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि मादा चाहिए इस फिल्म को देखने का, जिगर चाहिए, जिस तरीके से चीजों को दिखाया गया है आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। और रूबिका लियाकत के बाद तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो फिल्म को देख रहे हैं, भावुक हो रहे हैं और सामने आकर अपनी राय रख रही हैं। इसी कड़ी में पत्रकार सुशांत सिन्हा ने भी अपनी राय रखी और एक उन्होंने वाक्या बताया है। क्या लिखते हैं वो ट्विटर पर, जरा सुनिए। मुझे अब भी याद है कि कैसे विवेक अग्निहोत्री भाई ने फिल्म की रिलीज के पहले फोन पर बताया था कि फिल्म को सपोर्ट नहीं मिल रहा, बल्कि उल्टे दबाया जा रहा है। लेकिन आज देश के आम आदमी की ताकत देखिए कि फिल्म 2000 स्क्रीन्स पर चलानी पड़ रही है सिनेमाघरों को। 3 दिन में 26 करोड़ का बिजनेस हुआ है। सुशांत सिन्हा के इस ट्वीट पर कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, कश्मीर फाइल्स की तारीफ कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, इसका श्रेय आप जैसे लोगों को जाता है जो कमलेश तिवारी के जैसे न जाने कितनी हत्याओं के बाद भी नहीं डरे और ना उनकी कलम खामोश हुई। कितनी गालियां रोज आपके कमेंट बॉक्स में लिखी जाती हैं, फिर भी आप अपने देश के लिए सच लिखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। एक और यूजर ने लिखा, ये फिल्म जो कि 2000 स्क्रीन्स पर चल रही है, उसका श्रेय भारत के उन वोटरों को जाता है जिन्होंने अपना कीमती वोट बीजेपी को देकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया है। बाकी सोचो, आज कांग्रेस होती तो ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही बैन हो जाती। तो कुछ इसी तरीके से सुशांत सिन्हा की भी तारीफ हो रही है और उन्होंने जो किस्सा बताया है कश्मीर फाइल्स को लेकर, उसकी भी चर्चा हो रही है। बताते चले आपको, 11 मार्च को फिल्म रिलीज हुई है, 14 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन अब तक बहुत अच्छा बिजनेस कर चुकी है। पुनीत इस्सर, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े स्टार्स इस फिल्म में हैं और इसीलिए इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है, इसीलिए इसकी चर्चा हो रही है। आप बताइए सुशांत सिन्हा से जुड़ी इस खबर पर आपकी राय क्या है। आजकल बहुत सारे मूवीज ऐसे जो कुछ सिर्फ नाम की रहे, लेकिन ये ऐसी कुछ ऐसी मूवी है ना कि रोमते खड़े हो जाएंगे मूवी देख के किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा, उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी ये फिल्म। ना सबको देखना चाहिए, जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पर छुपाई गई थी, उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती हैं। नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म बहुत एक पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो और जो बहुत अच्छा एक पूरा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक कश्मीरी पंडितों का जो दुख था, उस दुख को जो दिखाया गया है। आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है, इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा। अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा, जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण, तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर, इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है, ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे? ये सच है, ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे
बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसीयर थे वहाँ पर, और ओवरसीयर को क्या बोलते हैं, नॉर्मली ओवरसीयर ही बोलते हैं, हाँ, तो बिकॉज ओवरसीयर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड, तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसीयर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे, तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया, और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया, उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमारे, हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में, चार उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहां से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर फ्यू कपल ऑफ इयर्स और 3 इयर्स। एंड सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन। जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से, वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, थर्ड फ्लोर पे मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में, 5-स्टार होटल में रहते हैं बहुत बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, माई मदर व्हेन शी सॉ दिस फिल्म, शी डिडंट स्पीक टू एनीबडी फॉर 2 डेज। दो दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई, और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं, आ गई हैं, या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आँखें नम है, आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निषाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुल खीर भवानी टेंपल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है, अब वहाँ बाब वाइज नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली revive those memories for millions of people, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे, and we are all guilty of not talking about it for 32 years.